सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और आज की वीडियो में हम अनबॉक्स करेंगे आईफोन्स के टूल्स जिससे आईफोन के मदरबोर्ड ओपन होते हैं। तो इतना सारा सेगमेंट आप देख रहे हो, ये सारे यूज होते हैं आपके आईफोन के एक छोटे से मदरबोर्ड को खोलने के लिए, क्योंकि मदरबोर्ड एक्चुअल में आता है सैंडविच बोर्ड, जैसे कि आप देख रहे हो ये। अभी आपको लग रहा हो यार ये सिंगल मदरबोर्ड तो है, लेकिन छू ये ऐसे आता है। अगर हमें इसके अंदर कुछ रिपेयर करना है ना, तो आईसी लगानी है, तो इसे हमें खोलना होगा। और ये सिंपल से खोलने के लिए ये सारा सेगमेंट आता है जो आपकी भाई आधी पेटी ले जाएगा, जैसे मेरी गई है। फिलहाल इनको अनबॉक्स करते हैं और देखते हैं कौन कौन सी मशीनरी है और ये कैसी दिखती है। सो ये है हमारा प्री हीटर, मतलब हम लोगों की लैंग्वेज में बोलते हैं इसको प्री हीटर। इससे क्या होता है कि ये एक मदरबोर्ड के साइज के सर्किट बने होते हैं, मदरबोर्ड को उसके ऊपर रख दो, वो चारों तरफ से उसको एग्जैक्ट गर्म करता है। एक मशीन होती है हॉट गन, वो क्या होती है जहां एयर मारोगे वहां से गर्म होता है, बट ये एग्जैक्ट गर्म करता है तो हमारा मदरबोर्ड खुल जाता है। तो पहले अनबॉक्स करते हैं इसको। ये अलग ही यूनिक बॉक्स दिख रहा है, तो इसके अंदर क्या होने वाला है खोलते हैं। तो करते हैं अनबॉक्स। तो भाई छोटा सा मैनुअल, इसका कभी जिंदगी में यूज नहीं किया हमने। एंड चाइनीज आइटम है, बहुत महंगी आई है लेकिन तब भी हिल रही है। इसके अंदर कुछ ना कुछ छोटे छोटे पीस हैं जो गिरे हुए हैं। और ये हमारे लड़के को हमने बोला था देख के लाइए, लेकिन नहीं लाया। एक मिलती है इसका पावर केबल, साथ में है ये आयरन जो इसमें अटैचमेंट लगेगी, एंड एक ये टाइप सी केबल। और कुछ पिंस भी हैं जो आप आयरन की यूज़ कर सकते हो, आयरन की बिट बोल दो, उस टाइप में बिट्स हैं। चलते हैं आगे। बात करेंगे हम इससे जॉइंट होके बाकी सारी मशीन रन करती हैं, जैसे कि इसके साथ मिलती है एक पावर केबल जो इनकी पावर केबल है, और ये हो गई इनकी आपकी जितनी भी साइड के बॉल्स बनती है ना, समझा देता हूँ आपको कैसे। ये हो गया एक प्री हीटर, ठीक है। एंड मॉडल्स हैं इसके अंदर 11 प्रो, 11 एक्स, एक्सेस, एक्सेस मैक्स। तो ये सारे मॉडल के मदरबोर्ड इससे खुल सकते हैं। इसके साइड की लेयर जिसमें चारों तरफ बॉल्स होती हैं उनको बनाने के लिए ये है आपकी स्टेंसिल एंड ये केबल। अटैचमेंट तो बहुत इजी है, आप समझ गए होगे। इसमें जॉइंट होनी है, जो आपको प्री हीटर को हीट करना है उसमें आप अटैचमेंट को लगा दो और एंड बॉक्स अटैच कर दो, स्टार्ट हो जाएगा। तो बात कर रहे हैं हम, हमारे पास कौन कौन से प्री हीटर हैं। अभी आपने देख लिया ये है आईफोन 11, 11 प्रो, एक्स 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 मैक्स, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट। एंड स्टेंसिल इसके अंदर भी आती है, और ये मेरे को लग रहा है सिर्फ दो मॉडल्स के लिए है हमारे पास। एंड मॉडल जो होने वाले हैं ये है आईफोन 15 एंड 15 प्लस, 15 प्रो। और ये जो स्टेंसिल यूज होती है ये होती है इसकी लेयर बनाने के लिए, मतलब साइड की जो लेयर बनती है उसके लिए। तो देख रहे हो कितना छोटा, कितने प्यारे सेगमेंट है, लेकिन बहुत ज़्यादा कॉस्टली आइटम है। और अगर नॉर्मल कोई आईफोन का काम करता हो उसके पास नहीं मिलेगा, ये सिर्फ प्रोफेशनल टूल्स जो काम करते हैं लेके उनके पास ही मिलेगा। तो ये हो गया आईफोन का, पूरी सीरीज हो गई इसके अंदर, आईफोन 15 प्रो, 15 यहाँ पे लिखा हुआ है, 15 प्लस एंड 15 प्रो मैक्स, चार मॉडल इसके इससे खुल जाते हैं। एंड अब बात करेंगे, ये थोड़ी सी बिग है, बड़ी है, तो इसमें मॉडल होने वाले हैं टोटल तीन। एंड ये है आपके 12 मिनी, 12, 12 प्रो, 12 प्रो मैक्स। साइज देख लो कितना बिग है, साथ में स्टेंसिल इसके साथ भी मिलती है, सेम पावर केबल रन कर सकते हैं और बहुत इजी बैंग अपना काम कर सकते हैं। सब में आपको सेम यही देखने के लिए मिलेगी कि मैं आपको जो दिखा रहा हूँ ना, सब में प्री हीटर है और सिर्फ ये आईफोन के हैं। अगर आप काम करते हो सैमसंग में तो सैमसंग में प्री हीटर हर मॉडल के अलग आएंगे। इसमें भी स्टेंसिल है, और ये है आपका 14 प्रो, 14 मैक्स, 14, 14 प्लस। एक छोटा सा मतलब बोर्ड जो होता है इनका एग्जैक्ट होता हुआ, तो इसलिए दो साइड में इसको कंप्लीट कर दिया गया है। साथ में स्टेंसिल है, ये भी अनबॉक्स हो गया है। एंड बात करेंगे अब इसकी, मतलब हमने सारी सीरीज मंगा ली है वन टाइम में ही, कि बार बार
और सीरीज मंगानी ना पड़े। स्टेंसिल एंड ये है आपका 13 प्रो मैक्स 13, ओनली टू मॉडल्स 13 प्रो मैक्स 13, तो इसके अंदर आपके दो मॉडल आ जाते हैं एंड है कॉम्पैक्ट सा। स्टेंसिल दे रखे हैं चार, मतलब चारों मॉडल करते होंगे, बस मेंशन इन्होंने नहीं किया वरना स्टेंसिल कम आती। सारे खुल गए फाइनली, ये रह गया, इसको भी खोल लेते हैं। इसमें भी साथ में स्टेंसिल है एंड ये मॉडल होने वाला है आपका 13 मिनी 13 प्रो, मतलब वो दो का ही था, बाकी दो का ही है, तो उसमें सिर्फ दो ही थे, मदरबोर्ड के साइज चेंज होते होंगे इसलिए। एंड ये भी कॉम्पैक्ट है और अब काम करेंगे, किसी एक को हम हॉट करके देखते हैं, गर्म करके देखते हैं और कैसे वर्क करता है। ये हो गया ऑन, वाओ स्क्रीन चलती है भाई, स्क्रीन पे काम आता है, तो करते हैं इसको कनेक्ट। तो ये हमने 13 की साइड लगा दी है, ये 13 का मदरबोर्ड है, ठीक है, इसको करते हैं ऑन। तो भाई डी, ये क्या है, टेम्परेचर ऑलरेडी इसमें सेट है, हम भी फर्स्ट टाइम यूज़ कर रहे हैं तो इतना ज़्यादा टेम्परेचर का नॉलेज नहीं है। ये डाउन अप इतना पता लग गया है, चैनल्स हैं ये, दबा के तो देख लें, कुछ आवाज़ आती है अलग अलग से। ये टेम्परेचर है सी सी आपका, ये भी काम करते हैं, रीहीटर तो गर्म होने लग गया है हमारा, चैनल वन चैनल टू है, लेकिन इसमें चैनल का फर्क क्या है। एंड ये बोर्ड सेट करके देखते हैं पहले, हॉल से हॉल मिला दिए, ठीक है, ये लग गया है। अभी फिलहाल हम इसमें कुछ होता हुआ देखना चाहते हैं, मैं चाहता हूँ ये बॉल हल्की हल्की सी मुझे रिवॉल्व या हीट होती हुई मेंशन हो, स्मेल आने। तो इसमें ऑलरेडी टेम्परेचर सेट होगा 200, यहाँ तक जाना है 200 तक, 188.9 हो गया है। एंड हमारा जो बोर्ड है उसका टेम्परेचर, मैंने ग्लव्स पहन रखे हैं लेकिन बहुत ज़्यादा हीट हो गया है, तो अपना काम कर रहा है ऑलरेडी। तो अभी आपको शायद वेव्स ना दिख, धुआं ना दिख रहा हो, एंड हम कोशिश करेंगे कि इसकी बॉल कोई दिखाएं आपको कि जो हीट हुई है, ये देखो सब गर्म होना चालू हो गई है। तो इस टेम्परेचर पे क्या है, ये आपकी बॉल्स हीट होती हैं साइड होगी, इसको लेयर कहते हैं लेयर। एंड आप ये चीज़ें उतार सकते हैं, इसकी आईसी कोई भी उतारनी हो, क्योंकि इनमें हीट लग गई तो साइड की चीज़ें जल सकती हैं, तो जिनके पास ये टूल्स नहीं होते ना वो आपके ऐसे बोर्ड ख़राब कर देते हैं। जैसे ऑलरेडी आपको ये बोर्ड ख़राब दिख रहा होगा, इसमें सारी गंदगी जो लगी हुई है, ये सब कुछ कर रखा है ना, ये इसलिए कर रखा है क्योंकि इनके पास प्री हीटर नहीं था जहाँ इन्होंने रिपेयर कराया था, जहाँ से जैसे एक आईसी गायब है। तो आपको अब तो धुआं दिख रहा होगा है ना, और बॉल्स चमकती हुई दिख गई होंगी, साइड साइड की बॉल्स चमक गई हैं। तो लगाते हैं भाई इसके ऊपर एंड करते हैं इसे सेट, और फिर हिला के देखेंगे हिलता है नहीं हिलता, ठीक है। तो इसको भी मैंने प्रेस किया है थोड़ी देर, बॉल्स के ऊपर रख के इनको थोड़ा वेट करेंगे, और फिर उसके बाद बोर्ड हटाएंगे और ठंडा होने का वेट करेंगे, फिर बोर्ड को खींच के देखेंगे छूटता ही नहीं छूटता। ऑलरेडी ये बोर्ड रिपेयर्ड है और बहुत टाइम से एयर में ऐसे खुला पड़ा हुआ है, बट इस टाइम पे जो मदरबोर्ड है हमारा ओवर हीट हो चुका है, ठीक है, अच्छा गर्म हो रहा है, और ये टूल होने ज़रूरी हैं अगर आप आईफोन यूज़ करते हैं। अभी मैं आपको सैमसंग के भी जितने भी लेयर वाले हमारे पास बोर्ड होते हैं उनका भी टूल लाऊंगा, वो भी दिखाऊंगा। छोटा एरिया थोड़ा पड़ रहा है तो हम लैब बड़ी करने जा रहे हैं बहुत जल्द, वो भी आपको दिखेगी, बट टीम पूरी हो जाए उसके बाद। एंड इसको अब निकालते हैं बाहर, बहुत ज़्यादा हीट हो गया भाई, और देखते हैं क्या सीन है इसका। तो हम यहाँ वाली तो चिपक गई है जो आलात से दिख गई है, पर यहाँ से ओपन है, ओपन इसलिए है क्योंकि
इस पर हमने ऐसा कुछ किया नहीं है कि लेयर चिपकी रहे। कई लोग बोल रहे थे कि भाई ये हीट नहीं कर रहा है, हीट नहीं कर रहा था ना, ये पूरी आईसी 250 पे हिल गई, ये हिल गई है ओनली 200 पे। सो ये आईसी आप देख रहे हो पूरी की पूरी हट गई है और कोई मैंने मतलब एक एक इवन एक एक कनेक्टर आप हटा के लगा सकते हो। ये देखो ये आपने हटाया, ये भी लगा सकते, सब हिल गया है बिकॉज ऑफ टेम्परेचर। एंड अब इसको लगा के भी देख लेते हैं हम। फिलहाल हमने इसको चिपका दिया है एंड टेम्परेचर कर दिया है मशीन का डाउन। यहाँ से हमने अपना मदरबोर्ड फ्री होल्ड कर लिया है। अगर बात करें लेयर की तो पूरा मदरबोर्ड चिपक गया है, ठीक है, अभी भी गर्म है बट चिपका हुआ पूरा है। इसका टेस्ट एक ही तरीके से हो सकता है, इसको थोड़ा ठंडा हो जाने दो फिर नीचे फेंक के देखूंगा, छूट गया तो नहीं चिपका है, लेकिन ऐसा है नहीं प्रोफेशनल वे में, ये प्रॉपर चिपक गया है। अगर आप कितनी भी खींचने की कोशिश करो छूट नहीं रहा है। और आईसी भी हमने हटाई थी, दोबारा लगाई, लग गई है। तो अगर आपको ये टूल्स बाय करने हैं तो बाय कर लो, अगर प्रोफेशनल आपको काम आता है उसमें यही बेस्ट आएंगे। हीट गन से SMD से आपका ये वर्क नहीं हो पाएगा, ठीक है। आईफोन्स के लिए टूल्स हो गए, सैमसंग वाले टूल्स दिखाता रहूँगा। कैसी लग रही है इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ ये ज़रूर बताना, क्योंकि कुछ डिफरेंट आप लोगों को डिफरेंट दिखाने चक्कर में ना मेरा बहुत खर्चा हो रहा है, मतलब एक बिग डन खर्चा हो रहा है। फिर भी चलो जान दो, हो रहा है तो होने जान दो। एंड ट्राई करना चाहते हैं तो गिरा के ट्राई भी कर लिया, नहीं छूटा है। ये देखो एक्चुअल में हमारा ये बोर्ड ख़राब भी था, फिर भी मैंने सोचा कि ट्राई करते हैं और ट्राई करा, अच्छा काम करता है। तो आप लोग भी बाय करो और ख़रीदना चाहते हैं तो खरीद लो, ठीक है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, लव यू, डोंट टेक केयर, बाय।